अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। टीम इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हो गया है श्रीलंका टूर के लिए। ओडीआई एंड टेस्ट सीरीज खेलनी है उनको श्रीलंका में जाके, और श्रीलंका में बाय द वे टीम इंडिया का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, बट आई थिंक वो श्रीलंका की टीम भी दूसरी थी और काफ़ी अरसे बाद कोई है कि श्रीलंका का टूर किया है टीम इंडिया ने। आई थिंक 4-5 साल तो हो गए होंगे, फैमिली नॉट रॉन्ग। एशिया कप डेफिनेटली उन्होंने वहाँ पे खेला है, वहाँ पे ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस है कि उन्होंने एशिया कप विन भी किया, बट स्टिल आई थिंक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है टीम इंडिया के बैटर्स को, स्पेशली बिकॉज वहाँ पे कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा है कि जो स्पिन फ्रेंडली होती हैं, एंड पेसर्स को भी स्टार्ट में है कि सपोर्ट मिलती है, क्योंकि बेसिकली श्रीलंका एक आइलैंड है एंड आई डोंट नो एग्जैक्टली कि कौन से वेन्यूज़ हैं, तो भी है कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई कौन से वेन्यू पे कितने ज़्यादा है कि इंडिया को कंडीशंस जो है वो फेवर करेंगी और कितनी ज़्यादा श्रीलंका को करेंगी। बट दूसरी बात यह है कि श्रीलंका की टीम में अब वो बात नहीं रही है, सो आई थिंक इंडिया क्लियरली डोमिनेट करेगा एंड आई थिंक वाइट वॉश भी कर देगा, क्योंकि ओडीआई में तो भाई पूरी उनके सीनियर्स भी हैं, या बॉलिंग उनकी थोड़ी सी है कि वीक नज़र आ रही है दोनों में, T20I में भी एंड ओडीआई में भी बॉलिंग वीक नज़र आ रही है। खैर, जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उस हवाले से बात कर लेते हैं, फिर तमाम चीज़ें मजीद डिस्कस करेंगे कि कौन सा प्लेयर के जो सिलेक्शन है वो अच्छी है और कौन सा किसको ड्रॉप कर दिया गया और क्यों। सो खैर, T20I स्क्वाड की अगर बात करें तो सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाया गया है एंड वाइस कैप्टन आपके शुभमन गिल साहब हैं। हार्दिक पांड्या को बाय द वे कैप्टन नहीं बनाया गया है, ऑल्दो ही इज़ इन द टीम। खैर, हमने बात की थी कि स्काई को कैप्टन बनाया जा रहा है एंड ही इज़ योर नेक्स्ट कैप्टन आफ्टर रोहित शर्मा, एंड हार्दिक पांड्या के हवाले से लोग बात कर रहे थे कि भाई क्यों वो नहीं है, तो मैंने कहा कि भाई शायद ओडीआई में उसने है कि ब्रेक लिया है, तो हो सकता है T20I में भी लिया हो, बट ही इज़ इन द टीम, यानी हार्दिक पांड्या टीम में मौजूद हैं, और इसके बावजूद भी आप सूर्य कुमार यादव का मतलब है कि कैप्टन बनाया है, तो आई थिंक अब है कि क्लियर हो गया कि हार्दिक पांड्या इज़ नॉट योर फ्यूचर कैप्टन, और आपके फ्यूचर जो भी आपने डिसाइड किया हुआ है, जो आपके प्लान्स हैं BCCI के, उसका हिस्सा नहीं है। एंड रीज़न भी खैर मेरे ख्याल से यही होगा, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भाई ये रीज़न है वो रीज़न है, बट आई थिंक मेन रीज़न ये है कि वो थोड़ा सा इंजरी प्रोन है, हमेशा है कि आधे साल तो वो बाहर ही रहता है इंजरी की वजह से, एंड ही इज़ एन ऑलराउंडर, उसके बाद उसको ऊपर कैप्टनसी की भी जिम्मेदारी डाल दो तो ज़्यादा है कि डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसके लिए। दूसरी बात यह है कि काफ़ी ज़्यादा इंजरी भी उसको होती रहती है, दरअसल इसके ऊपर से प्रेशर हटाने के लिए आई थिंक सूर्य कुमार यादव को बैटिंग दी गई है, और मजीद है कि जो टीम इंडिया की अप्रोच है वो वही अप्रोच अब अपनाना चाहते हैं, दे डोंट नीड एंकर टाइप ऑफ प्लेयर एनी मोर इन T20I क्रिकेट। सो आई थिंक जो सूर्य कुमार यादव का माइंड सेट है उनको कैप्टन बनाने से तमाम प्लेयर्स में वो माइंड सेट आएगा, या तमाम प्लेयर्स में वो माइंड सेट इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है BCCI, दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग टू मीन्स है कि सूर्य कुमार यादव को इसीलिए उन्होंने है कि कैप्टन बनाया, ताकि उन्हीं की तरह की अप्रोच से पूरी टीम इंडिया खेले। एनीवेज, शुभमन गिल आपके वाइस कैप्टन हैं, यशस्वी जायसवाल भी उसमें हैं, रिंकू सिंह है, रियान पराग, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद एंड मोहम्मद सिराज। ऐसा सेड अर्लियर कि भाई बॉलिंग थोड़ी सी वीक है, जस्ट मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह ही एक बेहतर नाम है, खैर खलील अहमद ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बट आई थिंक पेस बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा वीक है। वॉशिंगटन सुंदर भी वहाँ पे हैं, अक्षर पटेल भी है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, शिवम दुबे इज़ ऑल्सो देयर बिकॉज स्पिन फ्रेंडली होंगी, तो हो सकता है टीम इंडिया 2-3 उसके साथ भी जा सकता है, ऑलराउंडर भी उनके पास मौजूद हैं। सो आई थिंक इंडिया खैर डोमिनेट ही करेगा, मुझे तो खैर यही लगता है, मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका का कोई चांस है। एनीवेज़, अगर ओडीआई सीरीज़ की बात करें तो ओडीआई में भाई आपके रोहित शर्मा कैप्टन हैं, शुभमन गिल वहाँ पे भी आपके वाइस कैप्टन हैं, एंड विराट कोहली इज़ देयर, केएल राहुल वहाँ पे मौजूद हैं, वो कमबैक कर रहे हैं, ऋषभ पंत भी विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे खेलेंगे, श्रेयस अय्यर हैं वहाँ पे, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, रियान पराग, अक्षर पटेल, खलील अहमद एंड हर्षित राणा। आई डोंट नो, हर्षित राणा ने भाई मुझे तो इतना कोई परफॉर्मेंस नहीं नज़र आती हर्षित राणा की, पता नहीं क्यों उसको टीम में रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी रहता है, IPL उसका अच्छा गया है, बट स्टिल आई डोंट थिंक ही रिजर्व एनी प्लेस इन टीम इंडिया, और खैर मुझे नहीं लगता कि इसका प्लेइंग 11 में चांस बनेगा, बिकॉज मोहम्मद सिराज को डेफिनेटली आप आजमाओगे, क्योंकि वहाँ पे मतलब एक साइकोलॉजिकल भी प्रेशर होगा मोहम्मद सिराज के ऊपर, मोहम्मद सिराज के लिए श्रीलंकन बैटर्स के माइंड में, क्योंकि जो एशिया कप के फाइनल में हुआ था हम सबको मालूम ही है, और खैर अर्शदीप सिंह भी एक अच्छे सिलेक्शन है,
बट आई थिंक क्यों ऋतुराज गायकवाड़ वहाँ पे नहीं है, आई मीन जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो खेला है टीम इंडिया ने उसमें ऋतुराज की बहुत ही माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस है, बट स्टिल ही इज़ नॉट देयर, सो पता नहीं क्यों। और खैर स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा था उनका, सो आई थिंक ही शुड बी देयर, एंड क्यों नहीं है आई डोंट नो। खैर बहुत से लोग कह रहे हैं कि उसको लेस दिया गया, तो सॉरी टू से ही इज़ नॉट, मतलब कोई सीनियर नहीं है, वो यंगस्टर है, एक दो मैचेस जस्ट 5 मैचेस जस्ट उसने खेले आई थिंक, तो इसके बाद उसको रेस्ट देते ना आई डोंट थिंक सही है। व्हाट यू थिंक अबाउट इट मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।